अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। किसान भाइयों को नमस्कार, मैं ऋषभ गुप्ता, कलेक्टर देवास। यह बताते हुए हमें हर्ष हो रहा है कि पिछले सालों की तुलना में इस साल रबी सीजन की खाद की आपूर्ति की स्थिति काफी अच्छी है। जहां पिछले साल 3 नवंबर 2022 तक कुल 10,500 मेट्रिक टन खाद वितरित हुआ था, वहीं इस साल 3 नवंबर 2023 तक इस रबी सीजन के लिए 17,700 मेट्रिक टन खाद ऑलरेडी वितरित हो चुका है। इसके अलावा लगातार खाद की सप्लाई हमारी आ रही है। उदाहरण स्वरूप, इस सप्ताह ब्रह्मपुत्रा से 2,500, कोरोमंडल से 900, इफको से 900 एवं HURL से 200 मेट्रिक टन यूरिया हमारा रैक्स लगेंगे। जो हमारे ऑलरेडी किसान भाई हैं उनके लिए MP एग्रो, मार्कफेड एवं मार्केटिंग के माध्यम से 12 कैश सेलिंग पॉइंट्स बनाए गए हैं। साथ ही लगभग 40 प्राइवेट पॉइंट्स पर भी हमारा खाद उपलब्ध है। इन सभी पॉइंट्स पर बेसिक सुविधाएं जैसे शेड के लिए टेंट, पीने के पानी के लिए कैंपर्स, ये सभी उपलब्ध करवाई जा रही हैं। हमारे राजस्व अधिकारी, हमारे SDMs, हमारे तहसीलदार लगातार इन पॉइंट्स की मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि व्यवस्थाएं अच्छी हों एवं सही दाम पर खाद हमारे अऋणी किसान भाइयों को उपलब्ध हो सके। सभी ऋणी किसान भाइयों से यह निवेदन है कि वे अपनी सोसाइटी से ही खाद प्राप्त करें। प्रत्येक सोसाइटी में प्रत्येक 3 से 4 दिन में खाद को वापस पूर्ति करने का प्रयास हम कर रहे हैं। उन्हें कैश काउंटर्स पर आने की आवश्यकता नहीं है। सभी किसान भाइयों से यह अपील की जाती है कि बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है और किसी भी अफवाह पर ध्यान ना दें। हम आश्वस्त करते हैं कि वर्तमान में हमारे पास पर्याप्त खाद उपलब्ध है और लगातार इसी प्रकार की सप्लाई पूरे सीजन भर बनी रहेगी। धन्यवाद।